तो सत्ता में आज सबसे पहले उस माफिया की बात जिसने इलाहाबाद में रहते हुए पूरे पूर्वांचल में अपने खौफ की सत्ता कायम की, जिसके नाम से लोग कांप जाते थे, लेकिन घड़ी का पहिया ऐसा घूमा कि आज वो माफिया उस प्रयागराज में डर से कांप रहा है। जहां कभी उसकी तूती बोलती थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, गला सूख रहा है, और ये सब कुछ तब जब गाड़ी भी नहीं पलटी है। हम बात कर रहे हैं उस अतीक अहमद की जो साबरमती जेल से नैनी जेल पहुंच चुका है। करीब 24 घंटे से हर टीवी स्क्रीन पर उसकी जेल यात्रा की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम उसी अतीक अहमद पर सत्ता के ऐसे 5 चैप्टर खोलने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने अब तक ना देखा होगा ना सुना होगा। आज हमने अतीक अहमद की किस्मत पलटने वाली एक सत्ता की कुंजी भी तैयार की है। इसके पहले चैप्टर में आज हम आपको दिखाएंगे एक तांगे वाले का बेटा आखिर कैसे उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड माफिया बन गया। दूसरे चैप्टर में देखिएगा 17 साल की उम्र में माफिया बनने वाला अतीक अहमद 27 साल की में सत्ता का घी पी पी कर कैसे हट्टा कट्टा होता चला गया और उसका रसूख बढ़ता गया। तीसरे चैप्टर में हम अतीक के बिजनेस की बात करेंगे जो हत्या अपहरण और अवैध वसूली से शुरू हुआ और कैसे ठेकेदारी रंगदारी और गुंडा टैक्स में तब्दील हो गया। चौथे चैप्टर में अतीक की प्रॉपर्टी की बात होगी, अरबों का वो साम्राज्य जो उसने आतंक के ढेर पर खड़ा कर दिया। लेकिन पांचवें चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि कैसे योगी के आगे प्रतीक की किस्मत पलट गई और आज इलाहाबाद का एक डॉन अपने ही इलाके में कांपते हुए पहुंचा। लेकिन ये चैप्टर खोलने से पहले हम आपको अतीक की जेल यात्रा का एक क्विक रिकैप दिखा देते हैं। पुलिस की क्राइम फाइल हो या अतीक के नाम से कांपने वालों की लंबी चौड़ी लिस्ट, हर जगह इस किरदार की पहचान कई कुख्यात नाम से रही है। किसी के लिए वो माफिया रहा तो किसी के लिए गैंग लीडर। पुलिस के रिकॉर्ड्स में एक हिस्ट्री शीटर होने के नाते उसके गुनाहों की लंबी चौड़ी फाइल है, तो कोई उसे बाहुबली दबंग के नाम से भी जानता रहा है। कभी अतीक लोगों के लिए आतंक का दूसरा नाम तक बन गया, लेकिन आज योगी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद उसी अतीक को यह खौफ खाया जा रहा है कि उसका आगे क्या होगा, क्योंकि अब उसकी क्राइम कुंडली के एक एक गुनाह का वक्त आ चुका है। अतीक अहमद पर हत्या का पहला केस साल 1989 में दर्ज किया गया था और तब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसके बाद एक तांगा चलाने वाले का बेटा जो उनकी दुनिया में पहला कदम रखने के बाद धीरे धीरे अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अतीक अहमद एक इंटर स्टेट गैंग का संचालक रहा है, उसके गैंग का नंबर IS-227 है। इसके बाद अतीक ने ना कभी पुलिस की परवाह की ना कानून के बारे में सोचा। साल 1985 में उस पर गुंडा एक्ट लगा और फिर 1986 में उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अतीक अहमद वो माफिया रहा जिस पर यूपी का पहला गैंगस्टर होने का ठप्पा लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अतीक अहमद पर हुमनगंज में एक दिन में 114 केस भी दर्ज किए गए और उस पर कुल मुकदमों की संख्या 160 से ज्यादा है। हालांकि उसे कई केस में बरी भी किया जा चुका है, लेकिन अब अतीक के गुनाहों का घड़ा भर चुका है और योगी राज में उसका मुकम्मल हिसाब किताब करने की तैयारी हो चुकी है।
अब अतीक अहमद पर सत्ता का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे सत्ता का स्वाद चखते ही अतीक का रसूख बड़ा होता चला गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा और इसी के बाद खुद को बचाने के लिए उसने सियासत को अपना कवच बना लिया। अतीक अहमद 5 बार विधायक रहा और 1 बार उस फूलपुर सीट से सांसद रहा जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। अतीक ने 1989 में यूपी चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई और जीत भी गया। माफिया से एक माननीय विधायक बनने की ओर अतीक अहमद का यह पहला कदम था और इसके बाद लगातार कई वर्षों तक इलाहाबाद वेस्ट सीट पर अतीक अहमद और उसके वर्चस्व की तूती बोलती रही। अतीक अहमद ने वहां से साल 1991, 93, 96 और 2002 में लगातार जीत हासिल की। एक वक्त में अतीक अहमद एक ऐसा नाम बन गया जिस पर कई राजनीतिक पार्टियां दांव लगाने को तैयार हो गईं और उनके आशीर्वाद से अतीक राजनीति का निर्मल आनंद लेता रहा। वो जब जिस पार्टी से चाहता चुनाव लड़ता और जीत हासिल कर लेता। माफिया अतीक अहमद 3 बार भले ही निर्दलीय विधायक बना, लेकिन 1996 में उसने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और साइकिल पर सवार होकर सत्ता की रेस जीती। इसके बाद 2002 में वो अपना दल के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहा। फिर साल 2004 में दोबारा समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठ गया और फिर फूलपुर से सांसद का चुनाव जीतने में कामयाब हो गया। यानी 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई उसे हर जगह कामयाबी मिलती चली गई। अब सत्ता के अगले चैप्टर में हम आपको माफिया अतीक अहमद के बिजनेस मॉडल और उसके अवैध साम्राज्य के बारे में बता देते हैं। अतीक जब गैंगस्टर था तो हत्या, डकैती, अवैध कब्जा और अपहरण जैसे अपराधों के जरिए अपनी सत्ता को बढ़ाता गया, लेकिन इसके बाद उसने सियासत को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और फिर संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस करने लगा। यानी वो आपराधिक घटनाओं के ज्यादा आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने में लग गया। इसके बाद ठेकेदार रंगदारी से धन उगाही करना उसका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया। यानी करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को दे दिया। इसके बाद रंगदारी वसूली और गुंडा टैक्स से भी अतीक अहमद ने अरबों रुपए कमाए। चौंकाने वाली बात यह रही कि जेल जाने के बाद भी वो सलाखों के पीछे से अपना साम्राज्य चलाता रहा। वो जेल से ही अपने गुर्गों को ऑर्डर देता था। आरोप है कि उमेश पाल की हत्या का प्लान भी उसने जेल में ही बैठकर बनाया था। लेकिन अतीक अहमद ने यह नहीं सोचा होगा कि उसकी ये कोशिश ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हो सकती है। मेरे आदमी की हत्या करवाने में इन सबका हाथ रहा है, तो मैं बार बार उनसे कहूंगी कि उन्हें कड़ी दंड दिया जाए और उनके जीने का हक बिल्कुल छीन दिया जाए। न्याय तो हम सुनेंगे, क्या अदालत न्याय देती है, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरा ये कहना, जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है वैसे आसरा पड़ा इसका बेटा, अगर मारा जाए तो मेरी आत्मा तसल्ली हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की न्यायालय ने तारीख को बुलाया है और तारीख को बुलाया है तो जैसा कल निर्देश होगा न्यायालय का उसका हम अनुपालन करेंगे। कानूनी कार्रवाई हो रही है और सरकार किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहती, सरकार हर चीज में वोट ढूंढती है। ये माननीय न्यायालय का मामला है, माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका अनुपालन कराना हमारा धर्म है। तो अतीक अहमद ये अच्छी तरह जानता है कि योगी राज में उसके सबसे बुरे दिन चल रहे हैं और अब वक्त किए की सजा भुगतने के लिए उसको तैयार रहना होगा। तभी तो अब उसे साबरमती जेल से नैनी जेल लेकर आया गया। वो उस वक्त डरा हुआ था, हालांकि वो बार बार अपनी मूछों पर ताव मार कर ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि सब ठीक है। लेकिन यूपी में एंट्री से पहले ही सोशल मीडिया पर अतीक से जुड़े कई मीम्स वायरल हो गए, जिसमें लोगों ने
खूब मजे भी लिए। उन्हीं में से कुछ मीम आज हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें आज लोगों ने अतीक अहमद को विकास दुबे से जोड़ दिया। फिल्मों के अलग अलग दृश्यों के आधार पर इन मीम्स को तैयार किया गया। अतीक से जुड़े मीम्स अब वायरल भी हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ अतीक ही अपराध की दुनिया का बड़ा नाम नहीं बना, बल्कि उसकी छत्रछाया में जुर्म की दुनिया के बीच उसके परिवार में भी ये सारी के सारी जड़ें फैलती चली गईं और माफिया की फैमिली भी मोस्ट वांटेड बन गई। अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद, जिस पर खुद 53 केस हैं, जो बरेली जेल में है, और उसे भी पेशी के लिए अब प्रयागराज लाया गया है। अतीक की पत्नी शायस्ता परवीन जो फरार है, और अब उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित हो चुका है। अतीक अहमद का एक बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में है, दूसरा बेटा अली अहमद नैनी की जेल में है, जबकि एक और बेटा असद उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस की रडार पर है। यानी अतीक का घर अपराध का एक ऐसा वृक्ष है जहां जिसकी हर शाख पर जुर्म के निशान हैं। लेकिन अब योगी राज में अतीक और उसके परिवार को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। आपने बुरे दिनों के बारे में सुना होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन में अतीक एंड फैमिली के लिए कांपने वाले दिन आ चुके हैं, क्योंकि जब से योगी ने यूपी की सत्ता संभाली है, अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक योगी राज में माफिया अतीक के गैंग पर कुल 144 कार्रवाई की गई। गैंग से जुड़े करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 करीबियों की पूरी हिस्ट्रीशीट खोली जा चुकी है। 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। अतीक गैंग के 68 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और अब तक अतीक अहमद से जुड़ी करीब 1200 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।